नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इन 5 चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। जानकारी के मुताबिक कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के 5 राज्यों के प्रमुखों से इस्तीफा देने को कहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को ये जानकारी साझा की है। में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के पार्टी प्रमुखों से इस्तीफे देने के लिए कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष का ये निर्देश पार्टी कार्य समिति की हुई बैठक के बाद आया, जिसमें पार्टी की हार के कारणों पर विचार किया गया। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश इकाइयों में पुनर्गठन के उद्देश्य से ये इस्तीफे मांगे गए हैं। सोनिया गांधी के इस निर्देश के कुछ देर बाद ही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना त्याग पत्र देने की घोषणा की। आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू को अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश, नवजोत सिंह सिद्धू को जुलाई 2021 में पंजाब, गणेश गोदियाल को जुलाई 2021 में उत्तराखंड, गिरीश चौड़ंकर को अप्रैल 2018 में गोवा और लोकेन सिंह को सितंबर 2021 में मणिपुर का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार की समीक्षा के लिए रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसके बाद से लगातार सियासी गतिविधियों का दौर शुरू हो गया। इसी क्रम में अब हार वाले राज्यों की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से त्याग पत्र देने को कहा गया है।